भारत विकास परिषद मैत्री शाखा ने संस्कार के अंतर्गत मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन स्थित महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन का आयोजन किया। शिक्षक दिवस पर इस आयोजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। विद्यालय के 3 टीचर्स को, जिसमें एक महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत रति कौशिक और अरुण कुमार अग्रवाल, उप प्रधानाचार्य राजीव ढल एवं प्रधानाचार्य अरुण कुमार शुक्ला को विद्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया गया। हमारे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि आज भारत विकास परिषद, जो समाज के उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिसका नाम ही भारत विकास परिषद है, भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाना है, भारत की युवा तरुणाई को किस प्रकार से विकास के पथ पे जोड़ना है, उन्हें सम्मानित करने के लिए गुरु वंदन छात्र अभिनंदन एक कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया जाता है। उसी क्रम में आज अपने विद्यालय में आपके द्वारा शिक्षकों का और छात्रों का सम्मान किया जाएगा। विद्यालय में अच्छे अंक लाने वाले 16 बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर छात्र अभिनंदन के अंतर्गत सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम संयोजक संजय धवन ने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हुए अगले वर्ष इस मंच पर मेडल और सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रेरित किया। तो टीचर जो आप देख रहे हैं, जिनकी वजह से ये पूरी जो हमारी सभ्यता भारत के हर कोने में पहुंची हुई है, वो सब इन्हीं शिक्षकों की वजह से आप देख रहे हैं। टीचर वही है महाराजा अग्रसेन में, लेकिन बच्चे इन पूरे भारत में, पूरे भारत के बाहर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और महाराजा अग्रसेन का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसे सभी शिक्षक जो यहाँ पर हैं, उनको शुभकामनाएं और सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मन भरा हुआ है सभी शिक्षकों के प्रति, क्योंकि ये स्कूल अपने आप में इतिहास रच रहा है मुरादाबाद में, ये सब लोग जानते हैं। यहाँ की हरियाली, यहाँ के बच्चे, यहाँ के टीचर्स अपने आप में एक आइडियल है। और वास्तव में आज हमने जो ये यहाँ का दिन चुना है, 17 स्कूलों में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कर चुके हैं, लेकिन हमने 5 सितंबर का स्पेशल डे सिर्फ महाराजा अग्रसेन स्कूल के लिए रखा था, क्योंकि हमारे काफी सदस्य यहाँ के पढ़े हुए भी हैं और वो सब चाहते थे कि हम उस स्पेशल दिन महाराजा अग्रसेन में जाएं। हालांकि थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन दिन बहुत बढ़िया है। देखिए, सभी टीचर्स का नमन है, लेकिन 3 टीचर्स को हमने यहाँ पर अपने मन से निकाला है। प्रांतीय महासचिव गौरव अग्रवाल ने विद्यार्थियों को शिक्षक के महत्व पर प्रकाश डाला और विद्यार्थियों को अपने सभी परिजनों को सम्मान देने के लिए प्रेरित किया। सभी विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक बनने की शपथ दिलवाई। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस तरीके के देशभक्ति के जो कार्यक्रम हम भारत विकास परिषद की ओर से करते हैं, पर आप लोग ही होना है और आप ही लोगों के हाथ में आगे देश है। हम जितना अपने आप को सशक्त कर पाएंगे, हमारा देश उतना ही सशक्त हो पाएगा। हम लोग आज की तारीख में जो देखते हैं इधर समाज के स्तर पे, तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन जरूर है कि हम जो व्यवहार अपने परिवार के प्रति दूसरे से सब चाहते हैं, जैसा हम अपने बहन के लिए, माँ के लिए, भाभी के लिए अपना दूसरे से व्यवहार चाहते हैं, वही व्यवहार हम दूसरे के परिवार के लिए करेंगे तो हमारे देश में सशक्तता बढ़ेगी और जो ये कलकत्ता जैसे नृशंस कांड, ये थोड़े रुकेंगे। भविष्य आप ही लोगों के हाथ है, आप ही लोगों को इसमें अपना पूर्ण सहयोग करना है। और मेरा संकल्प है कि मैं सदैव अपने माता पिता, गुरुजनों, महिलाओं एवं वृद्ध जनों का सम्मान करूंगा। मैं अपने समाज तथा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का मर्यादा एवं निष्ठा पूर्वक निर्वहन करूंगा तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जो राष्ट्र तथा समाज को हानि पहुंचाने वाला हो। मैं कभी भी तंबाकू एवं मादक पदार्थों का किसी भी रूप में सेवन नहीं करूंगा। भारत माता की जय। विद्यालय प्रधानाचार्य अरुण कुमार शुक्ला ने बच्चों को संबोधित करते हुए शिक्षक दिवस पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन किया और उनके जीवन पर प्रकाश डाला।
टीचर के महत्व को बताया और भारत विकास परिषद के गुरुवंदन छात्र अभिनंदन के कार्य की प्रशंसा की और सभी का आभार व्यक्त किया। कोषाध्यक्ष सागर गुप्ता, प्रदीप गुप्ता और विजय अवस्थी ने विद्यार्थियों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी शिक्षक और विद्यार्थियों को भारत विकास परिषद में भी शाखा के पदाधिकारी द्वारा शपथ दिलाई गई।